ये तो काफी वजनी है, अंदर क्या है? ये काफी ज्यादा वजनी है, क्या इसमें कोई पत्थर तो नहीं डाले हुए? ये तो अब आपकी किस्मत के इसमें से क्या निकलता है, बहुत मजा आने वाला है। तो अनबॉक्स करते हैं ये मैजिक बॉक्स। जो कौन सी जादू की पुड़िया निकलती है? अस्सलाम वालेकुम, हाय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा शबी लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे हमने तैयारी शुरू कर दी थी मैजिक बॉक्स रेडी करने की, जो कि मैं शबी को गिफ्ट करना चाह रही थी उनकी बर्थडे के मौके पे। 15 अगस्त को थी बर्थडे शबी की, और मैं सोच रही थी कुछ नया और कुछ ऐसा ज़बरदस्त सा अच्छा सा किया जाए कि शबी को बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया जाए उनकी बर्थडे पर। तो बहुत सोचने के बाद मुझे ख्याल आया, क्यों ना उनके लिए एक भारी सा मैजिक बॉक्स रेडी किया जाए और शबी को सरप्राइज़ दिया जाए उस मैजिक बॉक्स के साथ। तो ये मैजिक बॉक्स आज मैं कर रही हूँ रेडी, और उसके बाद हम शबी को गिफ्ट करेंगे, सरप्राइज करेंगे। तो बॉक्स तो हम लोग रेडी कर ही रहे हैं, बच्चे जो हैं वो भी बिजी हैं, खुद कार्ड्स तैयार कर रहे हैं पापा जानी को बर्थडे विश करने के लिए। तो वाइस की ड्राइंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और वासिल भी क्रिएटिव है, तो दोनों ही अपने अपने कार्ड्स बनाने में बिजी हैं ताकि वो अच्छे से पापा जानी को कार्ड बनाकर बर्थडे विश कर सकें। केक भी कटिंग करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है और देखना है कि इस मैजिक बॉक्स में से क्या निकलता है और शबी के क्या एक्सप्रेशन है, उन्हें कैसा लगता है। और साथ ही साथ आपको आइडियाज मिलेंगे गिफ्ट्स के, कि आप क्या गिफ्ट जो है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए ले सकते हैं या किसी और के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं बॉक्स रेडी। तो एक बॉक्स मैंने मंगवा लिया था और उसको हम लोगों ने गिफ्ट पेपर के साथ डेकोरेट कर लिया था, और इसके लिए आयमा ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। तकरीबन ये बॉक्स आयमा ने ही रेडी किया। तो ये देखें जी, तमाम तरफ से हम लोगों ने कवर कर दिया है इसे गिफ्ट पेपर के साथ, और हमारा मैजिक बॉक्स रेडी है। अब दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, और अब बारी थी केक लेने की। तो केक लेने आ चुकी हूँ मैं, यहाँ से केक सेलेक्ट करते हैं। मुझे चाहिए था पीनट बटर केक, वो अवेलेबल नहीं था और इतनी गर्मी में थोड़ा आगे जाना भी मुश्किल था। तो मुझे फिर नज़र आ गया एलमंड चॉकलेट केक, वो भी शबी को बहुत पसंद है, तो मैंने एलमंड चॉकलेट केक फाइनल किया और लेकर मैं पहुँची घर पर। और जल्दी भी थी क्योंकि 14 अगस्त के हवाले से 2-3 वीडियोस जो हैं उनको बनाने और अपलोड करने में काफ़ी बिजी रही थी मैं पिछले दिनों। 14 अगस्त को भी वीडियो जो है वो अपलोड की थी, और उससे पहले भी 14 अगस्त की शॉपिंग के हवाले से वीडियो अपलोड की थी। तो इन वीडियोस को बनाने और अपलोड करने के हवाले से काफ़ी बिजी रही मैं पिछले दिनों। अब 15 अगस्त को फ़ौरन से शबी की बर्थडे थी, तो टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट था, लेकिन इतना शुक्र है कि पहले ही से मैंने मैजिक बॉक्स जो है वो ऑलरेडी जहन में प्लान कर लिया था कि मुझे मैजिक बॉक्स अरेंज करना है। तो सोचने वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं थी, बस काम जो है वो झटपट करना था, मैजिक बॉक्स भी रेडी करना था। तो जल्दी से केक लिया और वापस आने के बाद मैजिक बॉक्स की बाकी की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर बच्चों ने मुख्तसर सा जो है थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है, बहुत मुख्तसर सा डेकोरेट कर लिया था क्योंकि टाइम शॉर्ट था। और यहाँ पर अब बारी है केक निकालने की, तो इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे शबी की बर्थडे। और शबी जो हैं अभी क्लिनिक पर हैं, और आते ही उन्हें सरप्राइज़ देंगे और केक कटिंग करवाएंगे, और उसके बाद बारी होगी बड़े सरप्राइज़ की, यानी मैजिक बॉक्स को ओपन करने की। तो यहाँ पे केक मैंने निकाल लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था ये केक, चॉकलेट एलमंड केक, बहुत ही यम्मी भी होता है। और शबी को आते ही मैंने बोला कि जल्दी से केक काट लें क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था। वासिल तो जाग रहा है लेकिन वाइस जो है वो सो गया है। तो यहाँ पर केक शबी काट चुके हैं। थैंक यू बेगम, माय प्लेजर। कैसा लगा आपको केक बताएं? मजे का और बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया। आपको एलमंड्स भी पसंद है और चॉकलेट भी, तो मैंने सोचा ये आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, माय प्लेजर। और अभी तो आपके लिए सरप्राइज बाकी है। अच्छा, मैंने तो समझा था यही है। ये तो अभी छोटा सा सरप्राइज है, अभी आपके लिए हम लोगों ने एक मैजिक बॉक्स रेडी किया। अभी मैं क्लिनिक से आया था तो आते ही ये सजावट हुई थी, मुझे आते ही अच्छा लगा था कि ये सारा डेकोरेट जो है मिसेज ने किया और अच्छा लगा। बच्चों ने भी किया, हम सब ने मिलके इनके लिए अरेंज किया और एक मैजिक बॉक्स हम लोगों ने तैयार किया शबी के लिए। तो आपने भी कहीं नहीं जाना, देखिए
उस मैजिक बॉक्स में क्या है? मैंने तो सोचा था इस दफा लगता है कि मिसेज भूल गई है, लेकिन नहीं, सरप्राइज देना। सरप्राइज की कोई चीज होता है। और मैजिक बॉक्स में गेस करना है आपने कि क्या क्या है, और फिर आपने मैजिक बॉक्स को हमारी ऑडियंस के सामने खोलना है और उन्हें बताना है कि इसमें आपको क्या क्या गिफ्ट्स मिले और आपके एक्सप्रेशन क्या हैं, कैसे लगे हैं आपको गिफ्ट। और एक और चीज़ आपको मिलेगी, गिफ्ट आइडियाज़। अपने लाइफ पार्टनर को क्या क्या गिफ्ट्स दे सकते हैं ये आइडियाज़ भी आपको साथ ही साथ मिल जाएंगे। खासकर हस्बैंड्स को बंदा सोचता है कि इनके लिए ज़रा ऑप्शंस कम महसूस होती हैं, लेकिन इनके लिए भी बहुत ऑप्शंस होती हैं गिफ्ट्स की। तो बाज़ का इंसान सोच में होता है कि क्या गिफ्ट्स होना चाहिए, तो वो आइडियाज़ भी आपको मिलने वाले हैं। ये केक बाद में खाऊंगा, पहले मैजिक बॉक्स जो है वो लाए, वो मैं पहले चेक, केक बाद में खाएंगे। इनको तो सस्पेंस लग गया और ये कह रहे हैं केक बाद में खाऊंगा, पहले मैजिक बॉक्स जो है वो ओपन करते हैं। तो चले चलते हैं, पहले मैजिक बॉक्स ओपन कर लेते हैं, फिर हम लोग खा लेंगे केक। सो लेट्स गो। तो ये रहा जी आपका मैजिक बॉक्स। थैंक यू। ये तो काफी वजनी है। हाँ जी, अब ये इसमें क्या क्या डाला है जरा अनबॉक्स करना है और देखें कैसे लगे आपको ये गिफ्ट्स जो इसके अंदर मौजूद है। चलिए जी अब चलते हैं, इसके अंदर क्या है। ये काफी ज्यादा वजनी है और निकालते हैं पता चलेगा क्या इसमें कोई पत्थर तो नहीं डाले हुए। होप कि आपको अच्छे लगेंगे ये पत्थर। चलिए अब इसको खोलते हैं, इसके अंदर देखते हैं पत्थर निकलते हैं कि क्या गिफ्ट निकलते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वजनी लगा मुझे तो ये अठारह में। ये तो अब आपकी किस्मत, किस्मत से क्या निकलता है, जो भी निकलेगा आपके लिए। आप लोग मेरे साथ रहिए, पूरे गिफ्ट देखना इसमें क्या निकलता है। ये वीडियो लास्ट तक आपने स्किप नहीं करनी, बहुत मजा आने वाला है। तो अनबॉक्स करते हैं ये मैजिक बॉक्स जो हम लोगों ने शबी के लिए स्पेशल तैयार किया उनके बर्थडे के मौके पे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब देखते हैं इसके में कौन सी जादू की पुड़िया निकलती है। वाओ, ये तो काफी फुल किया हुआ है। हाँ जी, इतने ज्यादा गिफ्ट। ये तकरीबन 14 गिफ्ट्स हैं। तो क्या आपको अच्छे लगेंगे? और ये तो स्पेशल बच्चों ने रेडी किया है अपने बाबा जान। ये किसने रेडी किया है? ये रेडी किया है वासिल ने। और इस पे इधर रख देते हैं। और ये रेडी किया है वाइस ने। ये वाइस ने रेडी किया वाइस का वाइस ने वासिल से ज्यादा प्यारा किया है। दोनों का अपनी अपनी जगह पे बहुत प्यारा है। छोटे बेबी ने ये तैयार किया है। ये बड़े का, ये छोटे का, छोटे की ड्राइंग बहुत अच्छी है। ये अब हम फर्स्ट गिफ्ट निकालते हैं, परफ्यूम। ये देखिए बहुत अच्छी परफ्यूम है, इसको लगा के मैं भी चेक कर लेता हूँ इसकी कैसी खुशबू आती है। ये लॉन्ग लास्टिंग है, जैसा कि आपको पसंद है तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो, बहुत अच्छी लगी है। और ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी फेवरेट है ना, सॉफ्ट सी और बहुत ही जबरदस्त मुझे लगी थी। जरा हमारे ऑडियंस को देखिए, आप भी इसको लाकर यूज करें, ये आपको भी अच्छी लगेगी। जरूर चेक करें, किसी भी शॉप में आपसे मिल जाएगी आसानी के साथ। लाएंगे, मैं रखती हूँ आप नेक्स्ट गिफ्ट जो है वो ओपन करें। और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे। सो नेक्स्ट गिफ्ट देखें, पता नहीं इसमें क्या हो सकता है। ये तो ये है बताएगी बेगम, ब्रीमोट का हेयर मास्क है। आपके बाल जो है ना आजकल काफी रफ हो गए। हाँ, ये चीज तो है, इन दिनों में अक्सर रफ हो जाते हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे ना कलर एप्लीकेशन से ना थोड़े से जले से, डैमेज से, डल से महसूस हो रहे हैं। ये मौसम भी ऐसा है, तो ये मास्क बहुत जबरदस्त है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर कम्प्लीट वीडियो बनाऊंगी। ये बहुत ही जबरदस्त मास्क है, इसके जितने भी जो तारीफ है जितने भी वो कम है, बहुत ही जबरदस्त है। ये एक ही एप्लीकेशन से आपके बाल जो है ना वो कमाल के हो जाएंगे। ये भी बालों के लिए, इस मौसम जब हम नहाते हैं, नहाने के बाद गीले गीले बालों में इसको लगाएंगे तो आपके बाल बिल्कुल सिल्की और मुलायम होंगे। ये भी बहुत अच्छी चीज है, ये अक्सर मैं यूज करता हूँ घर में, ये खत्म हो चुकी थी। ये सीरम आप यूज करते थे, तो अब मैंने ये कंप्लीट जो है ना ये पैकेज आपके लिए लिया है। ये कंप्लीट ये एक हेयर ट्रीटमेंट है बहुत ही जबरदस्त, जिसके जो इफेक्ट्स हैं आपके बालों में आएंगे और आपके बाल बड़े स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। तो ये तीनों आप एज अ हेयर ट्रीटमेंट यूज करेंगे और मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी इफ यू वांट।
तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी। वाओ, ये अगला गिफ्ट है जी बालों के लिए, या ये खुद गाइड कर देती हैं। अगेन इनके बालों का बहुत मसला बना हुआ था और मुझे डल से महसूस हो रहे थे, तो ये शैम्पू मैंने इनके लिए लिया है। ये भी ब्रीमॉट का है, कैरेटीन ये शैम्पू है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सोचा ये शैम्पू भी ज़बरदस्त होना चाहिए और उसके बाद हेयर ट्रीटमेंट और हेयर मास्क, हेयर सीरम। तो हेयर के लिए मैंने इनके लिए काफ़ी चीज़ें ली हैं, क्योंकि बीवियों को पता होता है कि उनके हस्बैंड को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो आप ज़रूर फोकस किया करें। ये तो वैसे सारी मेरी ज़रूरत की चीज़ें ही एक तो गिफ्ट आ जाएगा, देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा भी पड़ी हुई है इसके अंदर और उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। डॉक्टर रशीद विटामिन सी, ये सीरम है। हाँ जी, ये सीरम है क्योंकि विटामिन सी सीरम की आपको पता है कि इस एज में फेस पे एप्लीकेशन, स्किन पे एप्लीकेशन कितनी जरूरी है, तो मैंने सोचा एक गिफ्ट ये जरूर होना चाहिए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाना। हाँ जी, इस पर भी मैं जरूर आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि ये मेरा भी बहुत फेवरेट है। ये जी आगे ये भी कोई आइटम है, ये भी गाइड करके बताएंगे कि ये क्या चीज है। ये भी मॉइस्चराइजर है ऑप्टिमल्स का, जो है ये बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि ये खरीद कर लाएंगे ना इसलिए इससे पता होगा कि ये मैं क्या लेकर आई हूं, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, तो वो ताकि बताए कि ये मैं क्या लेकर आई हूं। मैं तो जाकर इसे पढ़ूंगा, स्टडी करूंगा, फिर पता चलेगा ना कि ये क्या खरीद कर लाई। ये बहुत ही जबरदस्त जो है ना प्रोटेक्टिंग डे लोशन है एसपीएफ 35 के साथ, और यूवी लाइट जो है इसके साथ कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही जबरदस्त आप मॉइस्चराइजर कह सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये भी बहुत मज़े की चीज़ है, ओरिफ्लेम की ये प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे जैसे कि शब्बी की स्किन जो है वो बाजू पर ड्राई हो जाती है, तो ये बहुत बेहतरीन है इनके लिए उस टाइम पर। और वैसे भी ये बहुत अच्छी है, एज अ सनस्क्रीन भी काम करता है, एज अ मॉइस्चराइजर भी, तो इसलिए मैंने ये आपके लिए लिया। इसका काम है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ चलते हैं। ये क्या जी, ये भी आप ही बताएं। और ये भी अगेन शबी के रेगुलर यूज़ के लिए मैंने लिया था। ये आफ्टर शैम्पू ये अप्लाई कर सकते हैं आराम से, और थोड़ी देर बाद इसको रिंस ऑफ करना है, आपके बालों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये भी ट्रीट करेगा। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं मैंने ऐसी ली हैं जो आप वीकली यूज़ करेंगे अपने बालों को अच्छा करने के लिए, और डेली यूज़ के लिए अलग से हैं। आप बालों के रुखेपन से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मैंने फोकस किया कि आपकी बालों की जो केयर रूटीन है ना, मंथली, डेली की और वीकली, वो सबको मैं मद्देनजर रखते हुए उस हवाले से भी, क्योंकि ये मौसम ही कुछ ऐसा है, इस मौसम में बालों के रीजन अक्सर बन जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर मिसेज बालों की एड में ही लेके, ताकि मेरे बाल बिल्कुल सही और सिल्की रहे। क्योंकि गर्मियाँ हैं, नमी का मौसम है, और इस मौसम में बाल बहुत रूखे हो जाते हैं, और इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी कलर ट्रीटेड हेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है रफ हो जाते हैं। तो वासिल को आ रही थी फुल नींद, क्योंकि बच्चे स्कूल की वजह से सुबह जल्दी उठे होते हैं, तो इस टाइम तक उन्हें नींद आ जाती है, तो बस वो केक खा रहा है, एंजॉय कर रहा है केक को, और उसके बाद वो सोने की तैयारी में है, सो जाएगा। यमी भी इसने नींद ही में कहा है, मुझे पता है, क्योंकि इसे फुल नींद आ रही थी, और जब उसे एहसास हुआ कि वीडियो बन रही है तो उसे आ गई हंसी। तो चलें जी बढ़ते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ। नेक्स्ट गिफ्ट भी है परफ्यूम, ये भी बहुत अच्छी लगी है मुझे, ये तो देखने में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, है ना? बिल्कुल। ये एक्चुअली में मुझे देखने में ही इतनी अच्छी लगी थी, और ये इसकी मुझे बहुत जबरदस्त लुक लगती है। मच्युअल लव परफ्यूम है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मजे की इसकी फ्रेग्रेंस है, तो मैंने इसलिए आपके लिए ली। मुझे बहुत इसकी जो है लुक अच्छी लगती है, और फ्रेग्रेंस तो अच्छी है ही। चलें जी नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ चलते हैं। ये भी अच्छी लग रही है, ये बिग बॉस बॉडी परफ्यूम है, और ये भी इनकी फेवरेट है, तो मैंने सोचा है कि ये भी हो जाए। अब जल्दी जल्दी पकड़ाता जा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है ना। ये जी शेव करने के लिए जेल ब्यूटी वालों की है, ये मैंने तुक्के से लिया, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा वैसे, क्योंकि इसका मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने छोटी पैकिंग में ही लिया, जिससे इसका ना पता हो वो आप बड़ी कर इस्तेमाल लिया करें, पहले आजमा लिया करें। ये देखें, ये भी अच्छी है,
ये भी मैंने इनके लिए इसलिए ली, मैं कहा ये भी एक जरूरत की चीज भी है और गिफ्ट, बाकी मुझे जरूरत थी गिफ्ट की, जब एक कलेक्शन हो रही हो तो फिर जरूर हर चीज को उसमें ऐड करना चाहिए। थैंक यू। ये ओनियन है, ये बड़ा ये बड़े की जरूरत थी क्योंकि पहला जो मेरे पास था छोटा था, मैं अक्सर कहता था बड़ा तो अवल चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने ये बड़ा ही लिया है। थैंक यू। इसका साइज आप देखिए, इतना ही बड़ा आपको चाहिए था। बिल्कुल, देखें देखें इसको पे बोले पता, तो ये काफी साइज है, काफी इतना साइज ठीक है, सही है साइज। ये बार बार शुक्रिया मत कहें, बल्कि नेक्स्ट जो गिफ्ट है ये देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए आपकी फेवरेट चीज है जो आप काफी देर से कह रहे थे कि मैंने खरीदना है, तो मैंने जरा उस पे नजर रखी हुई थी, मैंने कहा ये मैं ही खरीदू। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, नाइट ड्रेस है बहुत जबरदस्त था, ट्राउजर शर्ट और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, कलर भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो बस मैंने फिर इनके लिए ये ले लिया। स्टफ बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे और कलर भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है, ये ना बहुत कंफर्टेबल है। मेरी मिसेज की बहुत ज्यादा अच्छी ये जो चीजें लाती हैं मेरी फेवरेट होती हैं और मुझे अच्छा लगता है जो भी ये चीजें लेकर आती हैं, वाकई अच्छी होती हैं। बाकी इसके मुंह पे नहीं, मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं, ये खुद ही आप देख रहे हो, ये देखें कि आप भी कहेंगे कि वाकई अच्छी चीज़ें जितनी भी मिसेज लेकर आई है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको अच्छा लगा, मुझे यही जो है बहुत खुशी है और मेरा दिल खुश हो गया कि इन्हें सब कुछ बहुत पसंद आया, तो थैंक यू सो मच, आपने पसंद किए मेरे ये सारे गिफ्ट्स। और कैसा लगा आपको ये मैजिक बॉक्स का सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा गिफ्ट होंगे। मुझे तो ये भी था इस वक्त तो मिसेज मेरी साल बर्थडे जो है वो भूल चुकी है, लेकिन नहीं, जब हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए रोजाना मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो फिर वो अपने बच्चों के लिए फैमिली के लिए इतनी तबोदो कर रहे होते हैं, तो जरूर ख्याल रखा करें उनकी भी खुशी का। और ये चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती, किसी इंसान को उसकी वैल्यू का एहसास दिलाना जो है वो बहुत बड़ी बात होता है, तो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, ये दिन ना भुला करें और छोटी छोटी सी खुशियाँ सेलिब्रेट किया करें। ये गिफ्ट्स जो हैं आप अगर इकट्ठे नहीं ले सकते, दो तीन माह पहले से आप इनको थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं, एक गिफ्ट ही क्यों ना हो, छोटा सा ही क्यों ना हो, किसी की खुशी का सबब बने तो फिर मैं कहती हूँ कि बहुत ही मज़ा आता है और दिली सुकून भी मिलता है। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा मिसेज ने ये मुझे जो गिफ्ट दिए, बड़ी खुशी हुई जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, जब मैं आप लोगों को ये गिफ्ट दिखा रहा था और साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही थी। चीज़ें काउंट नहीं करती, चाहत काउंट करती है, तो ऑब्वियसली के अपने लाइफ पार्टनर के लिए इतना तो करना ही चाहिए, क्या ख्याल है? बिल्कुल, उनकी खुशी से भर के तो कुछ भी नहीं होता। आप लोग भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही करें, मिसेज का ख्याल करें, मिसेज आपका ख्याल करें, तो बहुत अच्छा लगता है और बड़ी अच्छी लाइफ लगती है। वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन अच्छा गुजरे तो क्या ही बात है। तो इस मैजिक बॉक्स के 14 गिफ्ट्स की क्लोज वीडियो भी अभी आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर जनाब वाइस साहब जो है नींद पूरी करके उठ चुके हैं और अब वो भी करेंगे केक को एंजॉय, और वाइस को भी केक बहुत पसंद आया क्योंकि ये बच्चों का भी फेवरेट है, और वाइस एंजॉय कर रहा है केक को और साथ ही साथ हंस रहा है और मुझे कह रहा है कि बस वीडियो बनानी बंद कर दें। तो ओवरऑल ये आप देख सकते हैं सारे मैजिक बॉक्स के 14 गिफ्ट्स और कार्ड्स, तो ये मैंने करीब से भी वीडियो बना ली थी ताकि आप जो हैं इजीली ये सारी चीज़ें देख पाएं। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें रहेगा इंतज़ार आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल आशीष अभी लाइफस्टाइल को। स्टे विद अस, स्टे हैप्पी हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। अल्लाह हाफिज़।